अब की बार जो हम ये चला रहे हैं कैंपेन, इसका तो हमारा सीधा मतलब है रोजगार दो से, कि अब इस पे फाइनल बात होगी। अब बहुत सितम सरकार ने ढाली है, अब हमारा ये आखिरी है कि अब हम सरकार की कोई बात नहीं सुनने वाले जब तक कि वो ये चीजें खत्म नहीं कर देते, लिखित में नहीं दे देते कि अब हम इसके लिए ये कदम उठा रहे हैं। मोदी रोजगार दो का स्पेशल मैसेज ये है कि मोदी जी या सरकार को ये याद दिलाना कि बेरोजगार युवा परेशान है, मर रहा है, इस दर्द से गुजर रहा है, तो रोजगार पे बात करो। अब एक दिन में रोजगार तो दे दी नहीं जाएगा, इसका मतलब है कि रोजगार पे बात करो। जो एग्जाम आप फेयर नहीं करा पा रहे, हम उन समस्याओं को बताएंगे ना। SSC और CGL का जो मामला है, ये क्या मामला है और आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा आसानी से समझाएं। देखिए 2013 की बात से ही, 2013 में पेपर कैंसिल हुआ, फिर दोबारा हो गया, वो चलिए 1-1.5 साल उसमें लगा, फिर लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन 2014 की बात से तो लगातार जो दिक्कतें आई हैं, पहली दिक्कत तो यही कि वैकेंसी घटना, 2014 में 20,000, 15 में वही 8,000 9,000 रह गए, और अब वैकेंसी खिसक के 6,500 7,000 आ चुकी हैं। चलो ये भी हमने मान लिया कि वैकेंसी कम है, और उन वैकेंसी को भी ठीक तरीके से नहीं फिल किया जा रहा। आप 2018 में देखेंगे, एक UFM ला करके सरकार ने लाखों अभ्यर्थी को बाहर कर दिया, उसके लिए हमें कैंपेन चलाना पड़ा कि UFM वापस लो, तब जाके वो UFM वापस हुई। CHSL में घोटाला, अभी 2019 का रिजल्ट आया तो ये पेपर को एक लेवल पर नहीं कर पा रहे, एक पेपर इतना आसान बना देते। पिछले 2 साल से ऐसा हो रहा है कि कट ऑफ 85% जा रही है, कंपटीशन के एग्जाम में कट ऑफ का इतना जाना ही गलत है। इसका मतलब आप पेपर का स्तर ही नहीं ठीक तरीके से सेट कर पा रहे, आपने मजाक बना दिया। अरे कौन है भाई आपके पेपर सेट करने वाले जो 3 पेपर को एक लेवल पर नहीं सेट कर सकते? और अगर कभी ऐसा होता है कि करप्शन का मामला पाया जाता है, जैसे 2017 में करप्शन का मामला हुआ तो उस केस को खत्म कर दिया गया, जबकि उसके टाइम भी प्रोटेस्ट हुआ था, मैंने किया, हमने ऑफलाइन प्रोटेस्ट किया, तब भी ये बात उस वक्त एक कहकर खत्म कर देगी कि इसकी जाँच होगी। उसके बाद जांच हुई, CBI में केस गया, कमेटी बनी, मैंने खुद प्रूफ दिए, मैं आज भी दे सकता हूं आपके चैनल पे हर जगह कि मैंने प्रूफ दिए कि नकल हुई। मुझसे आके बात करें, पूछे, मैं प्रूफ दूं, आज भी वो प्रूफ CBI में जमाए, उसके बावजूद भी पेपर कैंसिल नहीं हुआ। और उस जब पेपर इस तरीके से कैंसिल नहीं होता तो इससे लोगों का भी मनोबल टूटता है, और उस संस्था का जो SSC है उसका मनोबल बढ़ता है कि कोई बात नहीं, हम करप्शन करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बता देते हो कि विद्यार्थी उसमें 200 नंबर ला के भी फाइट नहीं कर पा रहा, ये मेन इशू है CGL का। 100 मिलियन ट्वीट और वर्ल्ड वाइड नंबर वन इसको ट्रेंड करा दें, ताकि पूरे वर्ल्ड में भी ये बात पता जब चलेगी कि भाई देश में बेरोजगारी का इतना बुरा हाल है, बेरोजगार सड़कों पे उतरने को तैयार है, इतनी बुरी स्थिति है, अगर इसके बाद भी सरकार हमारी नहीं सुनती। ये तो सिर्फ एक सरकार को हम अपनी बात भेज रहे हैं, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि सरकार तक हमारी बात पहुंच भी जा रही है, बट सरकार के कान पे उसके बावजूद भी कोई जू नहीं रेंग रही। आप बताइए, किसी बाहर वाले ने एक जरा सा ट्वीट कर दिया तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ने वो चीज़ तुरंत नोटिफिकेशन निकाल दिया, और इतना युवा आज इतने ट्वीट करा रहा है, लाखों करोड़ों ट्वीट हो रहे हैं, क्या एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या भारत सरकार ये नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकती कि हम आपकी बात पे भी गौर फरमा रहे हैं और इसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे? कोई ध्यान नहीं है, मतलब सरकार इतनी ढीठ हो चुकी है कि वो सुनने के बाद भी उस पर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। सरकार को ये दिखता है अभी बिहार में चुनाव है, वहाँ जाके क्या घोषणाएं करनी है, अभी बंगाल में चुनाव है, वहाँ जाके क्या घोषणाएं करनी है। ये ध्यान नहीं है कि जो घोषणाएं कर दी उसमें 1% या 2% भी हम पूरी कर पाए या नहीं कर पाए। और जैसा कि मन की बात को डिस्क्लाइक करने वाला जो मामला था, वो कहा जाता है कि आप ही का वो कैंपेन था। हाँ, मैंने ही वो कैंपेन शुरू किया था कि भाई मन की बात को ही डिसलाइक करो। हमारा ये था, उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई कि बहुत हुई मन की बात, मोदी जी अब करो रोजगार की बात। मीडिया हमारी बात को उस वक्त नहीं सुन रहा था, नहीं दिखा रहा था, तो हमने कहा अगर मन की बात को जितना डिसलाइक कराया जाएगा तो लोगों की नज़र आएगी कि ये हुआ क्यों है। जैसे अभी ये मोदी रोजगार दो हमने ट्रेंड शुरू किया तो लोगों की नज़रों में आया कि अच्छा ये प्रॉब्लम है देश के अंदर, और हम बात बहुत सत्यता के साथ रख रहे हैं, प्रूफ के साथ रख रहे हैं कि लोग परेशान हैं। हमसे पूछिए, आपको पता चले, हम दिखाएं लोगों के मैसेज, हम दिखाएं लोगों के मेल। अब तक मुझ पे जब से ये बात शुरू हुई है तो लाखों मेल होंगे जो जगह जगह की भर्ती के बारे में बता रहे हैं। मतलब केंद्र सरकारों में भी ये बहुत समस्या है कि केंद्र सरकार में भी जो वैकेंसी हैं वो ठीक तरीके से फिल नहीं हो रही, चाहे किसी की भी सरकार हो। बट बात यह है कि जब ये देश में
लोकसभा चुनाव हुए तो मात्र लोगों ने वोट मोदी जी को देखकर दिया था और हर जगह यही कहा था मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी हैं तो सबका साथ सबका विकास। तो जब वोट मोदी जी को देखकर दिया, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे बनाया गया, जब देश की सरकार का नाम बदल के मोदी सरकार हो गया, तो फिर बेरोजगारी पे बात मोदी जी से क्यों ना हो। एक्चुअली क्या हो गया ना कि लोगों ने मोदी जी के आने पर इतनी तारीफ कर दी थी कि अब मोदी जी ये करेंगे, अब सबके अकाउंटों में इतना पैसा जाएगा, पेट्रोल का दाम 35 रुपये, इतनी लोगों ने हद से ज्यादा तारीफ कर दी थी कि अब लोग उस प्रॉब्लम को या उस बुराई को बोलने से डर रहे हैं, जो डर है। लेकिन ये रिदम टूटेगा, मेरा भरोसा है, मेरी इंट्यूशन है कि हम इस चीज को तोड़कर रहेंगे। आज मीडिया भी ने भी अब बोलना शुरू कर दिया है कि महंगाई पे लगाम लगाओ, लोग भी बोल रहे हैं, और ये आगे आने वाले समय में ये प्रॉब्लम और बढ़ेगी। और देखिए दिक्कत क्या है, क्या लोगों को मोदी जी से दिक्कत है, क्या लोगों को सरकार से दिक्कत है? नहीं, बट अगर प्रजा को कोई दिक्कत है तो मोदी जी उसे सुने तो सही। मोदी जी अमेरिका जाके ये कह दें कि अब की बार ट्रंप सरकार, मोदी जी वहाँ जाके मोदी जी के पास इन सब बातों की दखलंदाजी के लिए समय है, मोदी जी के पास और चीज़ों के लिए समय है। क्या मोदी जी अपनी 2 रैली बंगाल की कम करके देश के युवा पे बात नहीं कर सकते, देश के किसान को कन्विंस नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते भाई? राजा है, उन्होंने पूरे देश को कन्विंस वोट के लिए कर लिया, अब उसकी समस्या को सुलझाने के लिए वो कन्विंस नहीं कर सकते कि रोको मैं ऐसा कर रहा हूँ, दिखाओ ना प्रॉब्लम क्या है। 2015 में तो मोदी जी खुद कहते थे देश का युवा परेशान है, इतने करोड़ रोजगार लेके आऊंगा, उन्होंने सारी समस्याओं को उठाया था, उन्हीं सबको देख के तो हमने उनको वोट दिया और इतने बहुमत से वोट दिया, वो इस चीज़ का गलत फायदा उठा रहे हैं, कब तक उठाएंगे? एक दिन खत्म होंगी ये सारी चीज़ें भी। देखिए घमंड किसी का भी नहीं रहा, आज वो इतने ज़्यादा रिजिड हो गए कि इन बातों पर बोलने से कतरा रहे हैं। जब देश इतना डिजिटल हो सकता है तो एग्जाम फेयर क्यों नहीं हो सकता? मोदी जी कहते हैं चुनाव फेयर है, इस देश में जब सब कुछ फेयर है तो एग्जाम क्यों नहीं फेयर हो सकता? चुनाव का रिजल्ट तो बहुत जल्दी आ जाता है, अगर इनको भी लटका दिया जाए 1.5-2 साल, उसके बाद भर्ती कोर्ट में फंस जाए इनकी भी, तब इनको पता चले कि 5 साल सरकार चलने के बाद पता चला कि ये साहब भी एमएलए एमपी बन पाए, तब इनको उस दर्द का एहसास होगा। हम तो बस ये कह रहे हैं कि सरकार इस टॉपिक पे बात कर ले कि भाई आप किस लिए कर रहे हो आंदोलन, आप टोटल 2 करोड़ दे दो 5 साल की सरकार में, लेकिन वो रोजगार होना चाहिए। ये नहीं कि आपने स्किल इंडिया के तहत किसी को ट्रेनिंग दे करके एक दर्जी बना दिया, आप उसको भी रोजगार में काउंट कर रहे हो, तो दर्जी तो इससे पहले भी हुआ करते थे, तो ये सब चीज़ें नहीं चाहिए हमें। हमारा मतलब ये है कि वास्तव में रोजगार दो, जो संस्थाएं हैं जैसे यूपीएससी है, एसएससी है, अब इन्होंने सीईटी लाने की बात कर दी, तो सीईटी की प्लानिंग क्या है? मतलब सरकार इन बातों को शेयर करे, ट्रांसपेरेंसी लाए। डिजिटल इंडिया का मतलब यही है कि कैसे आप उन वैकेंसी को फिल करोगे, कैसे आप करप्शन को खत्म करोगे, आप एक डिपार्टमेंट बनाओगे जो इस बात की जिसकी लाइबिलिटी होगी कि एग्जाम में करप्शन ना हो। कल को आवाज़ उठाने के लिए हमारे पास वो डिपार्टमेंट या वो मिनिस्ट्री होनी चाहिए जहाँ पे हम कह सकें 10,000 लोग जाके कि भाई इस एग्जाम में धांधली हुई है, आज बात बात पे हमें सरकार को पकड़ना पड़ रहा है, ये ना करना पड़े हमें।